दोस्तों, व्यू टेलीविजन से इस बार ये उम्मीद जरा भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस बार ऐसा ही कुछ किया और हमारे जो इंडियन कंज्यूमर है उनको गुमराह किया है। सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज किया है कि हम एक अल्ट्रा 4K टीवी लॉन्च करने वाले 10 जून को, और आज वो लॉन्च हो चुकी है इंडिया में। लेकिन क्या ये आपको टीवी लेनी चाहिए, क्या नया है क्या पुराना है, इसी के साथ ही साथ जो ये जो आप वीडियो देख रहे हो, आप सभी को कन्फ्यूजन होगा। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि व्यू की प्रीमियम टीवी ले या फिर 4K अल्ट्रा टीवी ले। तो इस वीडियो में दोनों ही टीवी को कंपेयर भी करके बताएंगे कौन सी टीवी आपके लिए बेटर होगी। तो ये वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखना और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए और अल्ट्रा टीवी में आपने व्यू ने क्या नया लाया है। तो सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटना शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, बात करें अब व्यू अल्ट्रा 4K टीवी के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा कि इस टीवी में कुछ खास नहीं है, कुछ भी मेजर फीचर लेकर व्यू नहीं आया। तो अगर आप सोच रहे हो कुछ नया आया, फिर आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन होगी व्यू ने कुछ नया धमाका किया होगा टीवी के कैटेगरी में यहाँ पे नई टीवी लॉन्च करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो यहीं पे स्टॉप कर सकते हो। फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो आगे देखने के लिए क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है, तो स्पेसिफिकेशन भी लगभग सेम है जो आपको व्यू प्रीमियम टीवी में मिल रहे थे। तो यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस मेजर नहीं है। जो डिफरेंस है वो आगे बताने से पहले सबसे पहले एक झलक डालते हैं इसके स्पेसिफिकेशन पे। तो इस टीवी में, व्यू अल्ट्रा 4K टीवी में आपको 4K का रेजोल्यूशन देखने मिल जाएगा। VA पैनल के साथ आने वाली टीवी है, 8-bit पैनल को सपोर्ट करती है। इसी के साथ डॉल्बी विजन, HDR10, HLD सभी का सपोर्ट आपको इस टीवी में देखने मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये आती है टीवी, एंड्रॉइड 9 का सपोर्ट दिया गया है। इसी के साथ ही साथ जो भी कंटेंट प्रोवाइडर है, Amazon प्राइम, Netflix, Hotstar, YouTube सब कुछ परफेक्टली चलने वाला है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बात करें साउंड आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पे इस टीवी में 30 वॉट का साउंड आउटपुट दिया है। साउंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो यहाँ पे डॉल्बी डिजिटल प्लस और DTS 2 सराउंड का सपोर्ट देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। बात करें टीवी के कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे इस टीवी में जो भी जितने भी जरूरी पोर्ट होते हैं आपको सभी देखने मिल जाएंगे। साथ ही साथ ब्लूटूथ दिया गया है और एडिशनल कनेक्टिविटी के लिए डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट भी देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है सब के सब सेम है जो आपको व्यू प्रीमियम और व्यू अल्ट्रा टीवी में देखने मिलने वाला, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो डिफरेंस मेजर है अब उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस है कि यहाँ पे उन्होंने व्यू अल्ट्रा टीवी में एक लॉक डाला है जिसको बोलते हैं पेरेंटल कंट्रोल लॉक। इसके थ्रू होता है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो आप चाहिए तो कोई स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक कर दो कि वो टाइम पे टीवी नहीं देख पाएंगे, या फिर कोई प्रोग्राम या कोई भी चैनल आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, वो देख नहीं पाएंगे, अच्छा बुरा जो भी होगा वो आप ब्लॉक कर सकते हो। तो ये एक प्रोटेक्शन के लिए अच्छा किया है, स्पेशली ये बच्चों के लिए, तो जिनके घर में बच्चे हैं उनको तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। और जो दूसरी चीज है यहाँ पे व्यू ने इस बार लाया है कि प्रो पिक्चर कैलिब्रेशन। इसके थ्रू होता क्या है कि अगर आप समझ लो कुछ पिक्चर क्वालिटी को एडजस्ट करने के लिए आपको अलग अलग टाइप्स दिए गए, अलग अलग मोड दिए, जिसके थ्रू आप थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हो आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये दो चीज़ सिर्फ नहीं लाई है, और मुझे लगता है कि अगर ये शायद इसको इग्नोर भी कर दिया जाए तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से लगता है कि यहाँ पे इस बार व्यू ने कुछ नया काम नहीं किया है। और अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन कौन से वेरिएंट और प्राइसिंग में है। तो बात करें यहाँ पे 4 वेरिएंट है जो प्रीमियम में देखने मिल जाएंगे, वही सेम आपको अल्ट्रा में भी देखने मिल जाएंगे। अब बात करें प्राइसिंग के बारे में, तो 43 इंच की जो टीवी है अल्ट्रा वाली वो आपको मिल रही है मार्केट में 26,000 पे अमेज़न पे, 50 इंच की जो टीवी है वो आपको मिल रही है 30,000 रुपए में, और जो 55 इंच वाली टीवी है वो आपको मिलेगी 33,000 रुपीज की, और जो 65 इंच वाली टीवी है वो आपको देखने मिलेगी मार्केट में 49,000 रुपीज की। तो अगर मैं इसकी प्राइसिंग को कंपेयर करूं व्यू प्रीमियम से, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 55 और 65 इंच वाली जो टीवी है उसमें सिर्फ 1,000 का फर्क है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑफर चल रहे हैं अमेजोन पे जो 14 जून तक ही है, जिसमें आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट और हो जाएगा जब आप अप्लाई करते हो SBI का क्रेडिट कार्ड, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन सी टीवी ले, व्यू प्रीमियम ले या फिर व्यू अल्ट्रा ले। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन होगा व्यू अल्ट्रा लेने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, अपग्रेड है एक बोल सकते हैं प्रीमियम वर्जन का, और इसी के साथ ही साथ प्राइसिंग में भी 1,000 रुपये का फर्क है, और कार्ड अप्लाई किया तो 1,000 रुपये और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन वो 14 जून तक ही इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, नहीं तो बाद में बोलोगे भाई कि आपने बोला था 1,000 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है लेकिन अभी नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 14 जून तक ही है वो। और इसी के साथ ही साथ इसकी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल रहेगा मेरा व्यू टेलीविजन को कि अगर आप इस बार टीवी लॉन्च कर रहे हो तो शायद कुछ एक्स्ट्रा या फिर नया कुछ लाना चाहिए था, यहाँ पे कुछ भी आपने खास लाया नहीं है।
रैम भी वही रखा हुआ है, अगर रैम को भी थोड़ा सा बढ़ा के 2.25 कर दिया तो शायद बेटर होता। नोकिया के जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपको शायद से थोड़ा सा आप टफ दे सकते थे। इसी के साथ ही साथ एडिशनल आप फीचर दे सकते, जैसे एप्पल एयरप्ले 2 का सपोर्ट दे देते, एलेक्सा का सपोर्ट देते, तो शायद ये कुछ एडिशनल फीचर दिए होते तो थोड़ा सा आप बोलते ना कस्टमर आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते। ओवरऑल पैकेज काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है और व्यू की टेलीविजन मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे अल्ट्रा और प्रीमियम में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इसी के साथ ही साथ दोस्तों आपका क्या मानना है इस टीवी के बारे में, आप कौन सी टीवी लेने का प्लान कर रहे हो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और बाकी तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक करना। इसी के साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया ज़रूर कीजिए, हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय बाय।